जो कोई भी एक ग्रेजुएट है वो MLC इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। सर जैसे बताए कि जिन जिन्होंने फॉर्म सबमिट किए हैं उनका एक्सेप्ट होगा। लिस्ट RC ऑफिस की वेबसाइट पे सभी हमारे जितने रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, उनकी वेबसाइट पे है और CO ऑफिस की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो सभी जिन जिन ने अप्लीकेशन अपना सबमिट किया है उन सबसे मेरी दरख्वास्त है कि वो जाके एक बार अपना ओपन करके अपना चेक कर सकते हैं। लिस्ट RC ऑफिस की वेबसाइट पे सभी हमारे जितने रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, उनकी वेबसाइट पे है और CO ऑफिस की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो सभी जिन जिन ने अप्लीकेशन अपना सबमिट किया है उन सबसे मेरी दरख्वास्त है कि वो जाके एक बार अपना ओपन करके अपना चेक कर सकते हैं। कर्नाटका के गुलबर्गा शहर में आज श्री कृष्ण बाजपाई IAS रीजनल कमिश्नर और मोहतरमा फौजिया तरन्नुम IAS मैडम ने मिलकर एक प्रेस मीट करते हुए मीडिया पर्सन को बताया कि ग्रेजुएट्स एंड टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLC इलेक्शन के लिए टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स कलबुर्गी, बीदर, बल्लारी, रायचूर, कोपाल, विजयनगर और यादगिर से 1,42,875 न्यू वोटर्स एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए हैं, जिसमें 2,452 एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुए हैं। लास्ट टाइम सिर्फ 46,000 ही ऐड हुए थे। आइए देखते हैं मजीद रीजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने क्या कहा। आप सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सलाम अलैकुम। हमारे नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी के लिए आज हमारा इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, और ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही खुशी की बात है कि हमको टोटल 1,42,875 एप्लीकेशन रिसीव हुए और इन 1,42,875 एप्लीकेशन में से टोटल 1,40,423 एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुए, 2,452 एप्लीकेशन हमारे रिजेक्ट हुए। और ये पिछली बार हमारे इसी समय ड्राफ्ट रूल के टाइम में करीब ये 46,000 एप्लीकेशन थे, तो अगर उससे कंपेयर किया जाए तो हमारा नंबर काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो ये मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि सभी आप सब ने इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और एक अच्छे नंबर तक हम लोग पहुँचे। लिस्ट RC ऑफिस की वेबसाइट पे सभी हमारे अपने रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, उनकी वेबसाइट पे है और CO ऑफिस की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो सभी जिन जिन ने अप्लीकेशन अपना सबमिट किया है उन सबसे मेरी दरख्वास्त है कि वो जाके एक बार अपना ओपन करके अपना चेक कर सकते हैं। साथ ही आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ये लिस्ट उपलब्ध करा दी जाएगी ये अभी। तो आप लोग अपना अपना जितने भी फॉर्म 18 जिन्होंने अर्जी दी है वो जाके चेक कर सकते हैं। अगर उनका कोई दावा बनता है या उनको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो हमको ये आज सबमिट कर सकते हैं। 15 दिन का इसके लिए समय दिया जा रहा है, आज से लेकर 9 दिसंबर तक, तो टोटल 15 दिन में ये सबमिट कर सकते हैं। साथ ही जिन जिनका ये रिजेक्ट हुआ एप्लीकेशन उनको उनके उनके क्या वजहत क्या क्या रहे हैं वो पूरा मेंशन करके उनको प्रॉपर फॉर्मेट में दिया जा रहा है, तो वो भी वो चेक कर सकते हैं और अपना दावा कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये 7 जिलों में से गुलबर्गा सबसे हाईएस्ट नंबर पे एप्लीकेशन वहाँ से रिसीव हुए, ये करीब 36,000 और विजयनगर से करीब 12,000 रिसीव हुए। इसी तरह बीदर से 20,046, बल्लारी से 14,655, रायचूर से 17,900, कुपवाड़ा 17,746, यादगिरी 12,512 और विजयनगर 16,400। तो अभी हमारा ये जो पहली मुहिम थी हमारे मतदार पट्टी में लोगों के नाम जोड़ने की, एलिजिबल वोटर्स के नाम जोड़ने की, ये अभी एक चरण इसका ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी नाम जोड़ने का जो ये चल रहा है प्रोसेस ये कंटिन्यूड है और ये इलेक्शन के लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक चलता रहेगा। तो अभी भी जो भी जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं, जो जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं और ये जो 3 साल का जो क्राइटेरिया, अब तो 1 नवंबर 2020 उनकी जो एलिजिबिलिटी डेट है उसको जो जो फुलफिल करते हैं, उन सभी से मेरी एक बार और विनती है कि आप लोग अभी इस कंटिन्यूस अपडेशन ड्राइव में आ गए हैं और ये मतदान पट्टी में जो हमारी नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन के लिए बन रही है अभी, उसमें अपना नाम जोड़े और इस वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा बने। नहीं, नए वोटर्स के लिए सभी ये इसमें हर सभी नए वोटर्स हैं, इसको डे नोवो कहा जाता है, मतलब ये इसको एकदम नई लिस्ट है, एकदम शुरू से बन रही है, एकदम स्क्रैच से बन रही है। तो इसमें जो भी हैं वो नए वोटर्स ही हैं, उनमें हम उनकी 3 चीज़ें बेसिकली लेते हैं।
एक तो उनका फॉर्म 18 जिसमें वो अपना ये दिखाते हैं कि हम इसका वोटर लिस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, दूसरा उसमें वो अपना ऑर्डनरी एड्रेस प्रूफ जो उनका साधारण जो होता है पता होगा वो देंगे। इसके लिए उनको कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया या फिर कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, या तो आधार कार्ड दे देंगे या वोटर आईडी कार्ड दे देंगे या बैंक पासबुक दे देंगे, ऐसा कोई भी दस्तावेज जिससे ये प्रूफ हो सके कि वो हमारे यहाँ के सामान्य निवासी हैं, वो मोर देन इनफ है। अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग मतलब वो मैरिज हो के अगर आते हैं तो अगर ये एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं अपनी पत्नी पति है तो पत्नी के लिए दे सकता है कि हाँ ये वहाँ से आए हैं। कई बार अगर आधार कार्ड में आप कह रहे हैं कि चेंज नहीं हुआ, उनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, तो वो लोग भी हम उसमें है जो है एक्सेप्ट करेंगे उनको, अगर शादी होके आए और यहाँ के वोटर हैं तो उनका एक्सेप्ट किया जाएगा। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ तो दिया ही जा सकता है। तीसरा डिग्री की क्वालिफिकेशन ये है कि 2020 हमारा कट ऑफ डेट है, 31st अक्टूबर 2020, तो 31st अक्टूबर 2020 से पहले की हमको उन्हें डिग्री देनी होगी जिस जो किसी गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड होगी। गेस्टेड ऑफिसर इसको सरल बनाने के लिए ग्रेड टू तहसीलदार को ही एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर बना दिया गया है कि वो उसको अटेस्ट कर देगा तो वो सफिशेंट होगा, वो उसके अलावा भी किसी गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा सकते हैं। जो कोई भी एक ग्रेजुएट है वो MLC इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। सर जैसे बताए कि जिन जिन्होंने फॉर्म सबमिट किए हैं उनका एक्सेप्ट होगा। सो फॉर्म 18 आप तहसीलदार ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं, सिटी कॉरपोरेशन ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं, DC ऑफिस में, AC ऑफिसेस में, AC कलबुरी में और AC सेडम के ऑफिसेस में, हर जगह पे आप सबमिट कर सकते हैं। ये कंटिन्यूसली जून 2024 तक चलेगा, बट अभी बिकॉज फाइनल रोल पब्लिश होना है, अभी आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। जो भी ग्रेजुएट है, जो भी कट ऑफ डेट से पहले ग्रेजुएट डिग्री लिए हैं, वो सब अगर अप्लाई करेंगे तो बेहतर होगा। आप गुलबर्गा में 35,846 लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर रखे हैं। 15 दिन का क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पीरियड है, वो 15 दिन में जो जो सबमिट करेंगे वो हम 15 दिन के अंदर प्रोसेस करेंगे, उसके बाद बाय एंड ऑफ दिसंबर 30th of December पब्लिश करेंगे। इसके साथ साथ SSR जो अपना जनरल इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन के लिए चल रहा है, ऑलरेडी 22 लाख पीपल रजिस्टर कर रखे हैं। इसके अलावा दिसंबर 2nd और 3rd को हम एक विशेष प्रोग्राम कर रहे हैं, एक ड्राइव कर रहे हैं जहां पे हर एक पोलिंग स्टेशन पर ही BLO बैठेंगे और दो दिन के लिए फॉर्म 6, 7 और 8 और वो एक्सेप्ट करेंगे सुबह में 10 बजे से 5 बजे। ये MP इलेक्शन का स्पेशल समरी रिविजन है जिसमें 18 इयर्स जिन्होंने भी कंप्लीट किया है, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं होगा, हर कोई अप्लाई कर सकता है फॉर्म 6 में। सो ये भी एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है, आप सब इसका भी भरपूर लाभ ले सकते हैं। आप भी अप्लाई करके यू कैन इंश्योर दैट यू आर इंक्लूडेड इन द वोटर लिस्ट। थैंक यू जी। डेमोक्रेसी में तो यही है, सब साथ मिलके आके वोटिंग का प्रोसेस बहुत फ्री और फेयर रहे, इसलिए जिन्होंने भी हेल्प किया, ऑफिसर्स होंगे, RCSA के लीडरशिप में ये बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज हुआ है इस साल, 3 बार ज्यादा हुए हैं MLC इलेक्शन में रजिस्ट्रेशन। ये जो स्वीप कैंपेन जो हमारा ये चलता है, मुहिम जो चलती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका हिस्सा बने, ये जो पार्ट है, तो इसके लिए ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा जाना चाहिए मैसेज कि हाँ ये कुछ चल रहा है, तो इसके बारे में सेंसिटाइज करना लोगों को। इसमें जो जो भी NGO साथ है, NGO एसएस तो कोई नहीं रहे साथ में, लेकिन हमारे जितने भी स्पेशली जैसे अभी एक ग्रेजुएट्स का था, तो इनमें कॉलेज के प्रिंसिपल्स का या संघ संस्थे जो रहते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं लोग, इन सबका बहुत बड़ा हाथ रहता है। क्योंकि जब तक ये लोग अपने सारे मेंबर्स को कहेंगे नहीं कि हाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, आप इसका हिस्सा बनिए, तो इस दौरान ये क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे अपनी तरफ से, तो वो लोग भी बहुत बढ़ चढ़ के आगे आए, इस वजह से ये चीज़ इतनी सक्सेसफुल हो पाई। तो उन सबको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपके मीडियम से कि ये लोगों ने इतना दिखाया इंटरेस्ट, और अभी आगे भी अगले 4-5 महीने और इंटरेस्ट दिखाएंगे तो एटलीस्ट हमारे नंबर्स और बढ़ जाएंगे जी। तो वही है NGOs का तो ऐसा मैसेज पहुंचाने में ही रहा ना, डायरेक्टली हमारे इस ऑफिशियल प्रोसेस में उनका किसी तरह का कुछ नहीं रहता है, तो वही मैसेज ही हमारा पहुंचे और उसी में अपना ये साथ देते रहें, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसके लिए फिर से एक बार शुक्रिया करते हैं।